सोलन में कारोबारी की कार पर कुल्हाड़ी के हमले में पुलिस ने सोलन के व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि इस कारोबारी ने दहशतगर्दों की जाने अनजाने में मदद की है। फिलहाल पुलिस ने होटल व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस हमले के सूत्रधार भी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। सोलन में कारोबारी की कार पर कुल्हाड़ी के हमले में पुलिस ने सोलन के व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि इस कारोबारी ने दहशतगर्दों की जाने अनजाने में मदद की है। फिलहाल पुलिस ने होटल व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस हमले के सूत्रधार भी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। सूत्रों की माने तो जिन हमलावरों ने कार पर हमला किया था वे इसी व्यवसायी के होम स्टे में रहते थे और वे लगातार उनके संपर्क में थे। लेकिन इस होटल व्यवसायी की क्या मंशा रही होगी और वे किसके इशारे पर ये कर रहा होगा, इन प्रश्नों के उत्तर पुलिस तलाश कर रही है। एसपी सोलन अभिषेक यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यापारी की कार पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में पांचवी गिरफ्तारी की गई है। ये पांचवा व्यक्ति सोलन के समीप होम स्टे चलाता है और जिसका नाम रोहित है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हासिल हुए थे, जिससे साबित होता है कि रोहित भी अप्रत्यक्ष ढंग से इस घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है। देखिए, ये जो मामला हुआ था जिसमें कुल्हाड़ी से गाड़ी पर हमला किया गया था, इस सिलसिले में ये पांचवी गिरफ्तारी है और हम लोग ये देख रहे हैं कि इस केस से की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें लग रहा है संलिप्तता के आधार पर कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, किसी ने कोई रोल प्ले किया है इस चीज में, तो उनको उस तरह से गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे भी अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको आगे भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी, ये रोहित नाम का शख्स है, ये एक होम स्टे चलाते हैं और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये सामने आया है कि इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है। जो हमारे पहले हमने एक्यूज गिरफ्तार किए थे उसी संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। तो ये कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा इस बारे में। अभी बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन जितना हमें पता चला उस आधार पर गिरफ्तार किया गया। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको इंटीमेट करेंगे।